हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द क्लास ऑफ बैंक क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज टुडे वी विल डिस्कस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2019 और 20 के अंदर आई हुई थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर क्या है कि आपके पास में एक सीरीज गिवन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, मीन्स व्हाट कि उसके अंदर आपको अल्फाबेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नंबर्स भी होंगे और साथ में कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एक सीरीज होगी और उसके ऊपर बेस्ड आपके 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। और आप देखोगे कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझ लेते हो तो उस केस के अंदर आप एग्जाम के अंदर इजीली ये आपके 5 नंबर ये मान के चलो कि हाँ जी बिल्कुल पक्के हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही डिस्कस करने वाली हूँ जो कि 2019 में आई हुई थी और 20 में आई हुई थी, जिससे आपको लेवल का भी पता चल जाएगा कि कैसे सीरीज एग्जाम के अंदर आ रही है और उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, यस। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट सीरीज है स्क्रीन पे जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2019 के अंदर आई हुई थी। क्या है यहाँ पे सीरीज? दिस इज आर क्यू डी 8H9LOPTEFM6I। आपको पूरी 6 सीरीज जो है वो रीड नहीं करने, जस्ट ये देखो कि हाँ जी मुझे एक सीरीज दिखाई दे रही है जिसके अंदर मुझे कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या है इसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, If all the numbers are removed from the series, अगर इस सीरीज के अंदर से कह रहे कि अगर सारे के सारे नंबर्स को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इन दैट केस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 10th कौन सा होगा, ठीक है। अब उस केस के अंदर आपको दोबारा से सीरीज राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे देखो कि जब आप लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू करते हो तो बेटा नंबर्स को नहीं रीड करना, आगे बढ़ जाना है। ओके, देखो यहाँ पे उसने क्या कहा कि नंबर्स को रिमूव करना, दैट मींस कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो नंबर है, इसको नहीं लेना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, और टेंथ नंबर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, दैट मींस योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, एफ विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ मुश्किल था? दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा एक तो एग्ज़ाम के अंदर आपके पास में टाइम की कमी होती है, आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 20 मिनट्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है, तो उस केस के अंदर पजल्स भी सोल्व करने ये भी करना है, तो वहाँ पे आपको टाइम सेव करना है और एक्यूरेसी के साथ में कम टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर है स्क्रीन पर? क्या है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, How many alphabets according to English dictionary are between the elements which are 7th from the left end and 9th from the right end? Okay? अब यहाँ पे अगर हम देखें 7th from left end क्या रहेगा? हाँ जी 7th from left end क्या है, देखिए चेक करें, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. This is L. Okay? And right से कौन क्या कह रहा है, 9th from the right end and 9th from right end. Right end से अगर हम देखें तो first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight and this is 9. Okay? तो आप यहाँ पे देख सकते हो L और A के बीच में, L और A के बीच में कितने English alphabets हैं? 10. Confuse नहीं होना कि हाँ जी ये तो first पे है, ये 12th पे है, तो बीच में 11 होंगे, नहीं। देखो अपने पास में अगर हम चेक करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, A के बाद बेटा B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, L आएगा, दैट मीन्स के बीच में कितने हैं, 10 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 10 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 10 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट सेम सीरीज गिवन है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 3rd फ्रॉम द राइट of the element which is 11th from the left end, कह रहा है कि जो कि left end से क्या है, 11th है। अब यहाँ पे देखो 11th from left end से, अब यहाँ पे एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले क्या करोगे, यहाँ से 11th letter पे चले जाओ, ठीक है, फिर उसकी right में 3rd letter पे चले जाओ, या simple हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ जी एक left एक right, left right जब भी आएगा तो दोनों को क्या करना है, add करना है। अगर आपके पास में एक साइड लेफ्ट है बेटा और दूसरा राइट है तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट से जो भी दोनों का एडिशन करने के बाद वैल्यू आएगी वो वाला एलिमेंट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 एंड 11, दैट मीन्स कि 14th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट
सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन. ओके तो यहाँ पे आपके पास में क्या दिखा आपको, सिक्स. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इलेवेंथ देखा हमने पहले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये आ गया. फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, उसकी राइट में, लेफ्ट से फिर राइट की तरफ ही जाएगा ना, तो क्या आएगा आपके पास सेकंड थर्ड, अगेन क्या आएगा सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर. जैसे आप लोगों को बेटर लगता है आप वो चूज कर सकते हो मेथड. ओके यस, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट. अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, क्या प्रिसीडेड एंड फॉलोड. ओके अब सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो पहले ये चेक करो कि हाउ मैनी क्या कह रहा हूँ, नंबर्स, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, एक नंबर आना चाहिए. ठीक है, मैंने जो जो नंबर से सिर्फ उन्हीं को चेक करना है और उनके लिए भी आगे कंडीशन गिवन है. क्या कंडीशन यहाँ पे गिवन, प्रिसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, प्रिसीडेड बाई मीन्स इससे पहले क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड आल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट और उसके बाद में भी क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए. जो भी प्रिसीडेड है वो बेटा पहले, ठीक है, फॉलोड मीन्स उसके बाद में, बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर्स पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर दिख रहा है बेटा क्या, एट. अब इस एट से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, बाद में कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है. ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, नाइन, नाइन से पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में भी कॉन्सोनेंट है, इसको भी हम कंसिडर कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं नंबर्स की तरह, आगे हमने देखा कि यहाँ पे नंबर है. अब इस नंबर को अगर मैं देखूँ तो क्या यहाँ पे इस साइड ये कॉन्सोनेंट है, ये तो वॉवल है, दैट मीन्स कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. हमें क्या चाहिए, नंबर के आगे पीछे दोनों साइड कॉन्सोनेंट आना चाहिए. ओके अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस नंबर को तो यहाँ पे आपके पास में पहले क्या है, वॉवल आ गया, दैट मीन्स इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे. अगर हम यहाँ पे देखें तो इस नंबर के बाद में क्या है, नंबर है, इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे. इस नंबर से पहले नंबर है, इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे. यहाँ पे देखिए यू, यू आपके पास में टू है, टू से पहले क्या आ गया, यू, यू इज ए वॉवल, दैट मीन्स कि हम इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे. तो कितने नंबर्स हैं जिनसे पहले और बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो कितने आपके पास में, टू नंबर्स हैं, वन इज एट द सेकंड वन इज नाइन, सो योर आंसर विल बी टू. एंड टू कहाँ पे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर. क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर आया हुआ था. अभी हमने किए 2019 के क्वेश्चंस, अब हम आते हैं 2020 के क्वेश्चंस की तरफ. तो 2020 के अंदर यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, क्या है, एक सीरीज गिवन है एंड दिस सीरीज इज फुली ऑफ नंबर्स, सारे के सारे इसके अंदर नंबर्स ही आ रहे हैं, कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है. ओके अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेवंथ टू द राइट ऑफ द वन विच इज इलेवंथ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज. क्या कहा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेवंथ टू द राइट, सेवंथ टू द राइट, राइट मतलब इधर, ऑफ द नंबर विच इज इलेवंथ फ्रॉम राइट, जो कि राइट से इलेवंथ है. जब आपके पास बेटा राइट राइट आ रहा है दैट मीन्स वट, हाँ जी राइट राइट आ रहा है दैट मीन्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो यहाँ पे एक सेवंथ है और एक इलेवंथ है, इलेवन में से सेवन गया फोर्थ, दैट मीन्स कि फोर्थ फ्रॉम राइट आपको चेक करना है. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. अब दूसरा क्या है, बट उसने साथ में कंडीशन दी है, उस कंडीशन को भी आपको चेक करना है. यहाँ पे कंडीशन क्या है, देन ऑल द टूज एंड सिक्स आर ड्रॉप्ड एंड देन लास्ट एट नंबर्स आर रिवर्स्ड. हाँ जी दिस इज गुड क्वेश्चन. क्या कह रहा है कि जब आपके पास में टू और सिक्स को ड्रॉप करना है, ठीक है, और जो लास्ट के एट नंबर है उनको रिवर्स कर देना है. ठीक है, अब देखो टू और एट को पहले हम स्किप कर दें, टू और सिक्स को, सॉरी टू एंड सिक्स को हम स्किप करते हैं. तो टू यहाँ से ये हो गया टू, टू एंड आगे बढ़ो, सिक्स गया आपका, ठीक है, यहाँ पे है टू, देन सिक्स टू, सिक्स टू, सिक्स टू, ये है. और उसने साथ में क्या कहा कि लास्ट के एट लेटर्स को रिवर्स करना. तो अब पूरी सीरीज को मत लिखो, सिर्फ लास्ट के लेटर्स को रिवर्स कर दो, एट को. लास्ट के अगर एट को हम रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दैट मीन्स कि ये लास्ट में चला जाएगा. वन कहाँ पे चला जाएगा आपका,
लास्ट में चला जाएगा। दैट मीन्स कि राइट से अगर मैं देखूँ तो ये वाला वन जो है वो राइट में आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास में। अगर मैं यहाँ तक की सीरीज तो बेटा सेम रहेगी, अगर हम इधर से देखें तो हमारे सीरीज में क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले आ जाएगा बेटा एट, देन सेवन, फोर, फाइव, सेवन, एट, फोर एंड वन, यहाँ पे इसके बाद की कह रहे हो, ठीक है। और हमें क्या चेक करना है, सेवंथ टू द राइट ऑफ वन विच इज इलेवंथ फ्रॉम राइट, राइट 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 है, दैट मीन्स क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इलेवन से अगर मैं सेवन को माइनस करती हूँ क्या आ गया फोर्थ, दैट मीन्स वी विल चेक फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट, ओके। अब यहाँ चेक करो वन टू थ्री फोर, क्या आ रहा है आपके पास में सेवन, क्या है आपके पास सेवन, दैट मीन्स के आंसर क्या आ जाएगा सेवन विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, क्या कहा उसने पहले देखो, उसने क्या कहा है कि भाई टू को और सिक्स को ड्रॉप कर दो, हमने टू और सिक्स को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मीन्स उनको कैंसिल आउट कर दिया हमने वहाँ से। उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि जो लास्ट के एट एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं यहाँ पे, उनको रिवर्स कर दो। तो लास्ट के अंदर हमने देखा कि एट कितने बन रहे हैं, ठीक है, एट यहाँ तक बन रहा था आपका, उसके बाद वालों को हमने रिवर्स कर दिया, जिसके जो लास्ट में था उनको हमने पहले लिख दिया, जो पहले था उनको लास्ट में लिख दिया, ओके। अब उसके बाद में उसने कहा है कि आपको फोर्थ चेक करना है राइट से, तो यहाँ से फोर्थ है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सीरीज गिवन है नंबर वाली, क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एन इवन नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ओड नंबर। मीन्स कि एक नंबर हमने चेक करना है, ठीक है, जो क्या कह रहा है प्रीसीडेड बाई एन इवन नंबर, मीन्स उससे पहले क्या आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ओड नंबर, और उसके बाद में क्या आना चाहिए ओड नंबर आना चाहिए, ओके। उन नंबर्स को हमने चेक करना है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेटा हर एक नंबर पे यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज पूरी की पूरी सीरीज क्या है नंबर्स की है, नंबर्स की सीरीज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दे लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लेस देन फाइव, मोर देन सिक्स, और फाइव और सिक्स के अंदर ही आपको चेक करना है ना। तो अब देखो यहाँ पे बेटा नंबर अगर मैं देखूँ तो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, अगर इसके इसको हम चेक करते हैं तो इसके बाद में ऑड नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम देखें तो इससे पहले इवन नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इससे पहले इवन आ रहा है, इसके बाद में बट ऑड नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इससे पहले क्या है इवन नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। इससे पहले इवन है, इसके बाद में ओड है, दैट मीन्स इसको कंसिडर कर लोगे। पता चला कैसे क्या चेक कर रहे हैं हम। हाँ जी, कैसे चेक कर रहे हैं, एक नंबर को लिया हमने, देखा उससे पहले क्या है इवन नंबर है। अब इनमें से किसी भी नंबर के आगे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी कि आगे इवन नंबर और उसके बाद में क्या आ रहा है ओड नंबर। बट जब मैं आती हूँ सेवन पे, तो सेवन से पहले यहाँ पे बेटा क्या दिखाई दे रहा है आपको, टू दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि सेवन से पहले क्या है टू है, बाद में ओड नंबर है थ्री है, दैट मीन्स वी विल टेक दिस वन, ओके। आगे बढ़ते आगे अगर हम देखें नेक्स्ट को, तो थ्री, थ्री से पहले हाँ जी सेवन है, दैट मीन्स इसको भी नहीं लेंगे। नाइन से पहले इवन नहीं है, फाइव से पहले भी इवन नहीं है, सिक्स से पहले इवन नहीं है, फोर से पहले इवन। अब यहाँ पे ये जो फोर है इससे पहले क्या है इवन है, और इसके बाद में क्या आ रहा है आपके पास में ओड है, दैट मीन्स वी विल टेक दिस नंबर ऑल्सो। आगे देखिए, हाँ जी, उसके बाद अगर मैं देखूँ थ्री, थ्री से पहले इवन है, थ्री से पहले हमारे पास में क्या है इवन है, बट उसके बाद में भी इवन है, इसको नहीं लेंगे। एट से पहले ओड है, नहीं कंसिडर करना। सेवन से पहले इवन है और सेवन के बाद में ओड है, इस सेवन से पहले क्या है इवन, बाद में क्या है ओड है, दैट मीन्स इसको हम कंसिडर करेंगे। वन से पहले इवन नहीं है, थ्री से पहले इवन नहीं है, टू से पहले इवन नहीं है, फाइव से पहले बट इवन है। अब पहले इवन वाले को चेक कर लो बाद वाली कंडीशन के लिए, फिर बाद में अगर पहली कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसके बाद में सेकंड कंडीशन को चेक करो। तो अगर यहाँ पे हम देखें कहाँ पे थे बेटा, फाइव, फाइव से पहले इवन है बट उसके बाद में हमारे पास ओड नहीं है, दैट मीन्स इसको भी नहीं ले लेंगे। सिक्स से पहले ओड है, इवन नहीं है। सेवन से पहले, हाँ जी, इस सेवन को देखिए, सेवन से पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको इवन नंबर, और सेवन के बाद में क्या है वन, दैट मीन्स कि ओड नंबर है, दैट मीन्स वी विल कंसीडर दिस वन, ओके। अब उसके बाद देखते हैं बेटा वन, वन से पहले इवन नहीं है, टू से पहले इवन नहीं है, इस फोर से पहले इवन है बट इसके बाद में ओड नहीं है, दैट मीन्स कि इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इस सेवन से पहले इवन है, इसके बाद में क्या है ओड है, इसको कंसिडर कर लेंगे। फाइव से पहले ओड है, नहीं कंसिडर करना। सिक्स से पहले ओड है, टू से पहले इवन है बट इसके बाद में क्या है इवन है, बाद में हमें ओड चाहिए, दैट मीन्स इस सिक्स को भी हम कंसिडर
नहीं करेंगे। टू से पहले इवन है बट बाद में भी इवन है, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। बट इस फोर से पहले इवन है और बेटा बाद में क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, दैट मीन्स वी विल कंसीडर दिस वन। ओके, फोर तक हो गया। अब सेवन से पहले इवन है बट बाद में ओड नहीं है, एट से पहले ओड है, सिक्स से पहले और बाकी कोई भी नहीं आ रहा। अब देखो कि कितने नंबर्स बन रहे, कितने नंबर्स बन रहे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने नंबर्स बन रहे बेटा, 6 बन रहे हैं आपके पास में, ठीक है। और एक बार दोबारा से चेक कर लेना। तो ये इस तरह से ही आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आपको चेक करना है। ओके, हाँ जी, क्लियर है सभी को? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। सेम सीरीज है आपके पास नंबर्स की, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द नंबर, यस क्या कह रहा है, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज इलेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ नंबर विच इज एट्थ फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द सीरीज। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, क्या कह रहा है देखो यहाँ पे आपके पास में बेटा, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ वन। सिक्स ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे, राइट ऑफ वन कह रहा है किसके, विच इज इलेवन टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, जो कि इलेवन है किसकी, लेफ्ट ऑफ द नंबर किसके, विच इज एट्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द सीरीज। अब एक्सट्रीम राइट एंड से पहले हम देखेंगे कि एट्थ नंबर कौन सा है। हाँ जी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। उसके बाद में उसने क्या कहा है, विच इज यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। अब इसकी लेफ्ट में 11, लेफ्ट में 11 और फिर राइट कह रहा है, तो 11 लेफ्ट और राइट करके एडिशन भी आप कर सकते हो और वैसे डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच इज इलेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ नंबर। अब यहाँ पे इसकी इलेवंथ के अंदर देखे तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। ओके, और क्या कह रहा है, सिक्स्थ टू द राइट। अब इसकी राइट में जाना है हमने सिक्स के अंदर, तो यहाँ पे राइट के अंदर अगर मैं सिक्स में जाऊंगी तो क्या आएगा आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया आपके पास, फाइनली 1। क्लियर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पहले क्या कहा है, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे उसके जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन है तो लास्ट में देखो कहाँ तक पहुँच रहा है, विच करके ये यहाँ पे पहुँच रहा है ना। क्या कहा, विच इज एट्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, पहले एक्सट्रीम एंड से हम एट्थ नंबर पे गए। ओके, जब हम राइट एंड से अगर हम इस साइड जा रहे हैं एट्थ पे, तो उसके बाद में क्या करें, विच इज लेफ्ट। अब इसकी लेफ्ट में अगर हम इसी की नंबर की लेफ्ट में जाते तो क्या जाएंगे, इधर जाएंगे इलेवंथ नंबर पे। फिर उसने क्या कहा, सिक्स टू द राइट। अब अगर यहाँ पे ये इलेवंथ नंबर है तो उसकी राइट में जाएंगे तो बेटा यहाँ पे सिक्स पोजिशन पे आपको नंबर मिलेगा। पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ द स्टार्टिंग 13 नंबर्स आर रिवर्स्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। यस, अगेन गुड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग के 13 नंबर है उनको आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कर दिया, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, रिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द क्या कह रहा है, लेफ्ट ऑफ वन विच इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। क्या कह रहा है, 16th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से जो 16th रहेगा। अब लेफ्ट लेफ्ट है, दैट मींस कि क्या आएगा, 11th फ्रॉम लेफ्ट चेक करेंगे हमने। हमने करना क्या है, 11th फ्रॉम लेफ्ट चेक करना है। अगर हमने 11th फ्रॉम लेफ्ट चेक करना है तो उस केस के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट ये देखो कि उसने क्या कहा है कि स्टार्टिंग के 13 नंबर को रिवर्स करना है। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन नंबर्स को रिवर्स करना है। जब इनको रिवर्स करेंगे तो नंबर्स कैसे बनेंगे, फिर 8 आगे आ जाएगा, 8 3 4 इस तरह से सीरीज बनेगी, इस तरह से ही सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट से यहाँ पे चेक करूँ तो अपने पास में 11th पोजीशन पे क्या आएगा, हाँ जी 11th पोजीशन पे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो कैसे क्या कह रहे हैं,
देखो यहाँ पे जो 13 थे, 13 नंबर्स कौन से, यही है अपने पास में 13। दोबारा से एक बार चेक कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब उसके बाद कह रहा है उसको रिवर्स कर लो, रिवर्स कर लो, दैट मीन्स क्या आ गया, 8 3 4 6 5 then 9 3 7 2 3 8 5 and 2। अब क्या है इसके बाद में, कहता है रिवर्स करने के बाद में आपको कंडीशन फाइंड आउट कर अप्लाई करने, क्या कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन इच इज 16th फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से अगर मैं 16th जाऊं और फिर उसके क्या कह रहा है, 16th जाने के बाद में क्या करेंगे हम, फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिर दोबारा हम लेफ्ट में ही आएंगे। तो बेटा अगर यहाँ से 16th जाने के बाद आप लेफ्ट जाते हो तो 13 तक तो यहीं पे जाएगा, 13 14 15 16, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पे आओ आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो क्या आ गया आपके पास में, 8th आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिवर्स करने के बाद क्या आया था हमारे पास, 8 आया था, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, या हम सिंपल अगर हम वैसे देखें तो 11th का है मैंने, 11th फ्रॉम लेफ्ट, तो 11th फ्रॉम लेफ्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से यहाँ तक 13 है बेटा, तो 11th पोजिशन पे क्या आएगा, 8 आएगा, सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, हाँ जी। नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास में, एक सीरीज गिवन है जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और आपके पास में सिंबल्स भी गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द 6th एट द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट। हाँ जी, 6th एट द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, दैट मीन्स क्या करेंगे, माइनस 15 से 6 माइनस किया बेटा, क्या आ गया आपके पास, 9th। दैट मीन्स कि यू हैव टू चेक 9th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 9th चेक करो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परसेंटेज। ओके, यहां हम क्या करेंगे, पहले 15 तक जाएंगे, 9 10 11 12 13 14 15, और उसके बाद में क्या कह रहा, 6th, 6th के लिए फिर वापस आओगे, 1 2 3 4 5 6, फाइनली आएगा तो वही, तो इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देख लो, अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करेंगे माइनस, राइट राइट है तो क्या करेंगे माइनस, लेफ्ट राइट है या फिर राइट लेफ्ट है तो क्या करेंगे प्लस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मैनी नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट आर सच दैट विच आर प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर। क्या कह रहा है कि जो नंबर है वो प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट, उससे पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए, बट उसके बाद में लेटर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स देयर मे बी सिंबल, देयर मे बी नंबर, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, बट लेटर नहीं आएगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, चेक कर लेते हैं नंबर्स को। अगर हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं, ये है, अब इससे पहले क्या आ रहा है मेरे पास में, कॉन्सोनेंट आ रहा है, बट इसके बाद में क्या है, लेटर आ रहा है, लेटर नहीं आना चाहिए, तो इसको नहीं लेंगे हम। यहाँ पे आते हैं, यस, इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, इसके बाद में क्या आ रहा है, हाँ जी, परसेंटेज आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट लेटर, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये है नंबर, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बट बाद में हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको भी नहीं कंसिडर करना हमने। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर है बट इसके बाद भी क्या आ रहा है, हाँ जी, आगे तो कॉन्सोनेंट है बट बाद में भी आपके पास में लेटर आ रहा है, लेटर हमें नहीं चाहिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस नंबर से पहले हमें क्या दिख रहा है, वोवल दिख रहा है, तो हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, दैट मीन्स कि ये भी कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहा, इससे पहले भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, इससे पहले देखो, इस 8 से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट इसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, लेटर दिखाई दे रहा है, बट लेटर वाला तो हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद में लेटर नहीं आ रहा है, कौन सा है आपके पास में, ये वाला। ओके, तो क्या आ गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, इन द अबव अरेंजमेंट इफ लास्ट 10 टर्म्स आर रिवर्स्ड, जो कह रहा है कि जो लास्ट की 10 टर्म्स है उनको रिवर्स कर दो। रिवर्स का कंसेप्ट अभी हम देख चुके हैं, दोनों को अंदर आया हुआ था, दो क्वेश्चन हो चुके हैं रिवर्स टाइप के। देन विच विल बी द फोर्थ टर्म एट द राइट फ्रॉम 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। आई थिंक सभी को क्लियर है, क्या कह रहा है कि लास्ट के 10 को रिवर्स कर दो, लास्ट के पहले 10 चेक कर लो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स कि इसके बाद के रिवर्स करने, रिवर्स करके क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा बेटा n z star g, इस तरह से
ओके, मतलब सिक्स लास्ट में चला गया, एन पहले आ गया. ओके, अब हमें चेक क्या करना है, देन विच विल बी द फोर्थ टर्म टू द राइट फ्रॉम ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम राइट. अब राइट और राइट, राइट राइट क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे. दैट मीन्स कि हमारे पास में मुझे क्या चाहिए, एट्थ फ्रॉम राइट, राइट साइड से मुझे एट्थ चाहिए. अब राइट से एट्थ कैसे चेक करेंगे, इधर से नहीं चेक करना, हमने रिवर्स कर दिया उसको, रिवर्स कर दिया है. दैट मीन्स कि एट्थ यहाँ से चेक करोगे तो कितना क्या आ गया, फिर आप ये कह सकते हो कि जो टेंथ है वो आ गया आपके पास में. टेंथ में से अगर इधर से जाएंगे तो बेटा स्टार आएगा, एक ही बात है. देखो कैसे, एट देखो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे एन यहाँ पे आ गया आपके पास में, एन जेड देन स्टार एंड देन जी एट एच डी नाइन हैश एंड सिक्स, इस तरह से बन गया. और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एट्थ फ्रॉम राइट एंड, राइट से एट्थ देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, क्या आ गया, स्टार. सो स्टार विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्वेल्थ तक जाओ, ट्वेल्थ तक जाओ आप, यहाँ तक पहुँच गए, फिर उसके बाद में बैक जाओ, ठीक है. तो यहाँ पे टेंथ तो यही हो गया, इलेवन ट्वेल्व ये आ गया, बी बी से इधर जाएंगे तो फिर हमें अगेन क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा. डन, कोई इसमें डाउट, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट आ रहा, बट जब आप को सोल्व करो तो उसके बाद में जो आपने रिवर्स किया है ना वो वाली टर्म्स उठानी है, जो पहले टर्म्स है उनको नहीं रखना. डन जी, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, कह रहा है कि एक सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन थ्री एंड वन इन द अबव अरेंजमेंट. थ्री और वन के बीच में क्या आएगा, थ्री कहाँ पे है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. वन कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे बीच में चाहिए मुझे, बीच में चाहिए, यस कैंसिल आउट करते जाओ, जो बीच में बचेगा वो अपना नंबर हो जाएगा. क्या बच गया, बी, दैट मीन्स कि क्या आ गया आपके पास में, बी आ गया. यस क्लियर, कोई इसमें डाउट, सिंपल था. सो आई होप जो सीरीज है, सीरीज अब आपको अच्छे से क्लियर होगी. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेटली कर लोगे, यस डेफिनेटली कर लेंगे सभी, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो तो. अगर इस तरह की सीरीज को आप कर सकते हो इजीली, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिसेस के लिए क्वेश्चन की ज़रूरत है तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज. बेटा अगर हम बात करते हैं सीरीज की, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज. ओके, तो उसके अंदर से अभी जैसे ये सीरीज थी, क्लैरिकल का पेपर था, ईजी सीरीज थी, बट अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के एग्जाम के लिए, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेन्स लेवल. ओके, जब आप मेंस के लेवल का प्रिपेयर करते हो तो उस केस के अंदर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और आप ऑटोमेटिकली ये मान के चलो कि आपका मेंस तक की प्रिपरेशन हो जाती है. तो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू अभी पीडी आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा है, जिसके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई भी एक टॉपिक मेरा वीक है तो उस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से, लो लेवल से हाई मेंस के लेवल तक का. ओके, तो उसके लिए कहाँ पर जाना है आपको, माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, माइक्रो कोर्सेज का भी लिंक अवेलेबल है, अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है कंप्लीट कोर्स का लिंक भी अवेलेबल है. इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को सभी एक्सप्लोर जरूर करेंगे. अगर कुछ समझ आया वीडियो के अंदर तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे. जो न्यू यूज़र हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.